Do you play hockey with your friends? Yes, I play hockey with my friends. Does your mother also play hockey? No, my mother doesn't play hockey. Okay. Does your mother cook food? Yes, my mother cooks food. Does your sister cook food? Yes, my sister cooks food. Does your brother cook food? No, my brother doesn't cook. Hey guys, welcome back to the channel Love Educator. So this is the class 2. और आज ये क्लास 2 है Q&A सेशन का और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है. लेकिन इससे पहले एक एडवाइस दूंगा कि आपको हमारी 5 बजे वाली क्लास ज़रूर देखनी है. उसके बिना ये थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेगी, ठीक है. इसलिए आप पहले हमारे 5 बजे वाली क्लास देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा. और गाइज, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो समझ लीजिए कॉमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हैं जो कि हमारी बेसिक क्लास के हैं. ये बेसिक क्लास नहीं है, ये नेक्स्ट लेवल क्लास है, बेसिक क्लास 2.0. इससे पहले हमारी बेसिक क्लास हो चुकी है 15 दिन की. ये सारी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है. अब हम क्लास को शुरू करते हैं. ये पिक्चर क्या बनी है, इनका क्या मतलब है, इसकी भी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें, वहाँ पे सबसे ऊपर दी गई है. आप तब को आपको इसको समझ में आएगा, ठीक है. अब आप ध्यान से समझ लीजिए. आज की जो क्लास हमने 5 बजे ली थी उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और मैं ये करूँगा आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन. अब तक का क्वेश्चन आंसर सेशन नॉर्मल था, क्या आप ऐसा करती हैं? आप क्या, मैंने मान लीजिए पूछ लिया कि आप गाना गाती हैं. नो, आई डोंट सिंग सॉन्ग. क्या आप खाना बनाती हैं? यस, आई कुक फूड. यहाँ तक इनको इंग्लिश आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अब हम आगे बात करेंगे, क्या आप खाना बनाती हो, क्या ये बनाता है, क्या वो बनाती है, क्या ये सब बनाते हैं, क्या आपकी मम्मी बनाती हैं, क्या आपके पापा बनाते हैं, क्या आपका भैया बनाता है, क्या आपका दोस्त बनाता है. तो इस तरीके से सबके बारे में मैं आप क्वेश्चन पूछूंगा. तो ये पहला राउंड होगा. दूसरा राउंड क्या होगा, कहाँ पर बनाता है, कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, किस लिए बनाता है, किस समय बनाता है, कहाँ पर बनाता है, किसके साथ बनाता है, ये क्वेश्चन भी है. तो अब लेवल हाई होने वाला है. और अगर इंग्लिश ना आई तो जाओ कमेंट को गालियों से भर देना, ठीक है. आप ध्यान से समझ लीजिए. सिंपल एक सीक्वेंस है. Yes. मैं आपसे पूछूंगा कि आप खाना बनाती हो, आपको बताना है. मैं पूछूंगा ये बनाता है, आप बताओगे हाँ ये बनाता है या नहीं, ये बनाती है या नहीं, ये सब बनाते हैं या नहीं, हम सब बनाते हैं या नहीं, मम्मी बनाती है आपकी या नहीं, आपके पापा बनाते हैं या नहीं. और रूल्स सिंपल है, आपको मैंने 5 बजे वाली क्लास में सारे रूल बताए हैं, ठीक है. चलो बताओ, क्या आप खाना खाती हो? यस, आई कुक फूड. क्या आपका भाई खाना खाता है? यस, माय ब्रदर कुक्स फूड. खाता है, सॉरी, माय ब्रदर ईट्स फूड. हाँ, क्या ये खाना खाता है? यस, ही ईट्स फूड. क्या ये खाना खाती है? यस, शी ईट्स फूड. क्या ये सब खाना खाते हैं? यस, दे ईट फूड. हम सब खाना खाते हैं? यस, वी ऑल ईट फूड. अच्छा, क्या आप गाली बकती हो? नो, आई डोंट अब्यूज. क्या मैं बकता हूँ? यस, यू अब्यूज. क्या ये गाली बकता है? Maybe. Yes, he abuses. क्या ये गाली बकती है? No, she doesn't abuse. कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, वहाँ पर आपको इसका चार्ट मिल जाएगा, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे आंसर देते हैं, वहाँ से देख लो. कोई डरने की बात नहीं है, बस शुरू करो पूछना, कैसे प्रैक्टिस करनी है ये देख लो, ठीक है. चलो बताओ, अब तक ये सिंपल था ना? मैंने हिंदी में पूछा, आपने मुझे इंग्लिश में बताया है ना. अब मैं क्या करूँगा, अभी तक एक ही टॉपिक पकड़ा था, अब मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ आपसे. क्या आपकी मम्मी खाना खाती हैं? यस, माय मदर ईट्स फूड. क्या आपके पापा गाली देते हैं? यस, माय फादर अब्यूजेस. क्या आपका भाई बाइक चलाता है? यस, माय ब्रदर राइड्स बाइक. अच्छा, क्या वो खाना खाता है? यस, ही ईट्स फूड. क्या आपकी मम्मी खाना खाती हैं? यस, माय मदर ईट्स फूड. क्या आपके पापा शराब पीते हैं? नो माय फादर डजंट ड्रिंक. ओके, क्या आपकी मम्मी पीती हैं? नो, माय मदर डजंट ड्रिंक. क्या आपके दोस्त पीते हैं? नो, माय फ्रेंड्स डोंट ड्रिंक. अच्छा, क्या मैं पीता हूँ? यस, यू ड्रिंक. वो एक मीम आता है ना, ये वो वाला था, मैं क्लास से बाहर निकाल देता था, आपकी वजह से छोड़ रखा मैंने. चलिए, अच्छा, क्या आप समोसा खाती हो? यस, आई ईट समोसा. क्या आपके पापा समोसा बनाते हैं? नो, माय फादर डजंट मेक समोसा. क्या आपका भाई समोसा फेंकता है? यस, माय ब्रदर थ्रोस समोसा. अच्छा, क्या मम्मी आपका समोसा तोड़ती हैं? नो, माय मदर डजंट ब्रेक माय समोसा. तो देखो कितने अलग अलग टाइमिंग मैंने पूछी है कन्फ्यूज करने के लिए, लेकिन सब तक ये ठीक चल रहा है मामला, है ना. कोई प्रॉब्लम नहीं, आई होप आपको भी नहीं आ रही. आप क्लासेस सारी ज्वाइन कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस, ठीक है. क्लासेस सारी ज्वाइन कीजिएगा. अब तक के क्वेश्चंस आसान थे. अब एक चीज़ है कि क्वेश्चन मैं तो आसानी से पूछ सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब आपको पूछने होते हैं, ठीक है. तो अब आप पहले मुझसे हिंदी में क्वेश्चन पूछिए कि आपका भैया ऐसा करता है, क्या मम्मी ऐसा करती हैं. क्या आपके भाई डांस करते हैं? यस, माई ब्रदर डांसेस.
क्या आपकी मम्मी रोटी बनाती है? यस माई मदर मिक्स चपाती। क्या आपके पापा डांस करते हैं? नो माई फादर डजंट डांस। क्या आपके पापा आपको पीटते हैं? नो माई फादर डजंट बीट मी। क्या आप पापा के साथ घूमने जाते हैं? यस आई गो टू वॉक फॉर विद माई फादर। ओके, क्या आपकी मम्मी आपके लिए पिज्ज़ा बनाती है? यस माई मदर मेक्स पिज्ज़ा फॉर मी। क्या आपकी बच्ची आपको पीटती है? नो माई बेबी डजंट बीट मी। ओके, क्या आपकी बीबी आपको पीटती है? यस माई वाइफ पीट्स मी समटाइम्स। ओके, तो ये इन्होंने हिंदी में पूछ लिया, ये सिर्फ इतना था कि थोड़ा फीलिंग आई कि कौन सा टेंस बोल रही हैं, बाकी मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि ये हिंदी एक सेकंड के लिए भी बोलें। ठीक है, चलिए अब हम लोग उस पेज पर पहुंच रहे हैं और ये आप लोगों को नोट्स मिल गए होंगे गाइस, ध्यान से देखिए ये नोट्स हैं और इसका चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। विद द हेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेज शी विल आस्क मी सम क्वेश्चन इन इंग्लिश। आपको अब इधर से पूछना है, डू यू ऐसा करते, डू दे ऐसे करते, डू वी, सबसे आपको 3-3 क्वेश्चन मुझसे पूछने हैं। ठीक है, बोलिए। डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई स्पीक इंग्लिश। डू यू गो टू टॉयलेट? यस आई गो टू टॉयलेट। डू यू रन? यस आई रन। ओके, डू दे रन? No, they don't run. Do they speak English? Yes, they speak English. Do they take bath? Yes, they take bath. Do we listen music? We all don't listen music. Do we eat burger? Yes, we all eat burger. Do we learn English? Yes, we learn English. Does he go to market? No, he doesn't go to market. Does he dance on the road? No, he doesn't dance on the road. Does he brush his teeth? Yes, he brushes his teeth. Okay. Does she dance? Yes, she dances. Does she purchase new clothes? No, she doesn't purchase new clothes. Does she write notes? Yes, she writes notes. समझ में आया? ये देख लिया, आपको भी एक ही बार देखना है और 3-3 क्वेश्चन पूछने हैं, बस इतना हो गया। अब ये मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगी बिना देखे, अब तक तो देखकर था, अब बिना देखे थोड़ा हार्ड हो गया है। ठीक है, आप पूछो, मैं पहले आपसे ट्रांसलेशन करवा लेता हूँ। आइए इधर चलिए। क्या वो खाना खाती है? Does she eat food? क्या तुम खाना खाते हो? Do you eat food? क्या वो खाना खाते हैं? Do they eat food? क्या हम सब खाना खाते हैं? Do we eat food? क्या पापा खाना खाते हैं? Does papa eat food? क्या तुम्हारे पापा खाना खाते हैं? Does your father eat food? क्या तुम्हारी मम्मी खाना खाती है? Does your mother eat food? समझ में आ गया ना, ये कह रही थी क्वेश्चन पूछना भारी है, और किसी ने और भी कमेंट किया था क्वेश्चन पूछना भारी है, कहाँ है? थोड़ा प्रैक्टिस लगती है, दिमाग पे जोर लगता है ना, हाँ लेकिन दिमाग पे जोर पड़ता है। ठीक है, अब आप मुझसे इंग्लिश में पूछिए क्वेश्चन। ओके, डज योर फ्रेंड राइड बाइक? नो माई फ्रेंड्स डोंट राइड बाइक। यू आस्क मी अबाउट माई फ्रेंड और फ्रेंड्स, तो भाई फ्रेंड है तो डोंट, फ्रेंड्स हैं नहीं, सॉरी, अगर फ्रेंड है तो डजंट और फ्रेंड्स हैं तो डोंट। ठीक है, फ्रेंड है तो प्ले प्लेज और फ्रेंड्स हैं तो प्ले, ये ध्यान रखना है, प्लूरल के साथ डोंट आता है। ठीक है, डज योर बेबी टेक बाथ इन द पूल? यस माई बेबी टेक्स बाथ इन द पूल। ओके, डू यू मेक वीडियो? यस आई मेक वीडियो। डज योर मदर बीट यू? नो माई मदर डजंट बीट मी। डज योर ब्रदर गो टू ड्यूटी? यस माई ब्रदर गोज ऑन द ड्यूटी। डज योर सिस्टर गो टू मार्केट? यस माई सिस्टर गोज टू मार्केट। डू दे गो टू मार्केट? यस दे गो टू मार्केट। Do they eat food? Yes, they eat food. Does he prepare notes? Yes, he prepares notes. And now it's your turn. I will ask her questions. अब मैं इनसे questions पूछूंगा। ठीक है, अभी 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 क्लास पूरी नहीं होने वाली, अभी तो ये महाशय बहुत ही ज़्यादा हैं, अभी तो ये हैं, इसके बाद बात होगी आपसे। ठीक है, चलिए भाई बताइए, Do you play hockey with your friends? Yes, I play hockey with my friends. Does your mother also play hockey? No, my mother doesn't play hockey. Okay. Does your mother cook food? Yes, my mother cooks food. Does your sister cook food? Yes, my sister cooks food. Does your brother cook food? No, my brother doesn't cook food.
Does your father read newspaper? Yes, my father reads newspaper. Does your father throw the paper? No, my father doesn't throw the paper. Does your father go to kachari? Yes, my father goes to court. Okay. Does your mother brush teeth? Yes, my mother brushes teeth. Okay, do you brush your teeth? Yes, I brush my teeth. Do you speak English? Yes, I speak English. Does your father speak English? Yes, my father speaks English. Does your mother speak English? No, my mother doesn't speak English. Does your brother speak English? Yes, my brother speaks English. Does he speak English? Yes, he speaks English. Does she speak English? Yes, she speaks English. Do they speak English? Yes, they speak English. Do we learn English? Yes, we learn English. So, समझ में आ गया होगा आपको, इतनी तो प्रैक्टिस आपको करनी करनी है. अब आपके लिए है चैलेंज, आपको नोट्स दिए गए हैं, क्लास दी गई है, बताया गया है कैसे करना है. अब प्रैक्टिस की बात है, कोई बात नहीं, डरो मत. जूम क्लास अवेलेबल है गाइस, जूम क्लास अवेलेबल हैं. अब आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो जूम क्लासेस हैं, आपको हमारा सिर्फ एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आशीष सर. ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो. सुबह मॉर्निंग में आपको एक नोटिफिकेशन आएगी कि भाई जूम क्लास शुरू होने वाली है, आ जाओ. तो जितने भी बच्चे आ जाएंगे हम उनको जूम क्लास कराएंगे, और इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है. उसकी कई वजह हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि हम अपने शेड्यूल के हिसाब से ये सब करते हैं. ठीक है, आप समझो. मैंने पूछा आपसे, आप खाना खाते हो? डू यू ईट फूड? यस, आई ईट फूड. अब मैं पूछूंगा कहाँ खाते हो, वेयर डू यू ईट फूड? कोई भी रूल चेंज नहीं होना. डू यू ईट फूड, डज दे ईट फूड, ओ सॉरी, डू यू ईट फूड, डज ही ईट फूड, डज शी ईट फूड, डू दे ईट फूड, अभी तक ये करते आए? अब सिर्फ ये वर्ड आगे लगाना है. अगर पूछना है कि कहाँ खाते हैं, Where do you eat food? Where does he eat food? Where does she eat food? Where do they eat food? एक वर्ड लगना है सिर्फ आगे, कोई रूल चेंज नहीं है. जिसके साथ डू आता है डू आएगा, जिसके साथ डज आता है डज आता है, कोई फंडा नहीं. बस पूछना है कहाँ तो वेयर, क्यों वाई, किस समय व्हाट टाइम, हाउ कैसे, ये तो आपको पता ही होंगे. ठीक है, समझ में आया? अब असली चीज़ शुरू होगी. पहले इनसे क्वेश्चंस करवाते हैं, उसके बाद आंसर देंगे. ठीक है, चलिए मैं पहले आपसे पूछता हूँ, आप खाना कहाँ खाती हो? आई ईट फूड इन माई होम. ओके, आप खाना कहाँ बनाती हो? आई ईट फूड इन द किचन. आप कहाँ पढ़ती हो? आई ईट फूड इन माई. कहाँ पढ़ती हो? आई रीड इन माई रूम. आई स्टडी इन माई रूम. आई स्टडी इन माई रूम. आप कहाँ जाती हो? आई गो टू मार्केट. कहाँ से आती हो? आई कम फ्रॉम मार्केट. समझ में आ गया कहाँ. अब मैं इसी को वेयर पूछूंगा, वेयर मतलब कहाँ. वेयर डू यू गो? आई गो टू मार्केट. वेयर डू यू प्ले क्रिकेट? आई गो टू. वेयर डू यू प्ले क्रिकेट? आई प्ले क्रिकेट इन द स्टेडियम. वेयर डू यू कुक फूड? आई कुक फूड इन द किचन. वेयर डू यू टेक बाथ? आई टेक बाथ इन द बाथरूम. वेयर डू यू मेक वीडियो? आई मेक वीडियो इन योर स्टूडियो. समझ में आ गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब ध्यान से सुनो, किस टाइम ऐसा करती हो? व्हाट टाइम डू यू डू दिस? व्हाट टाइम डू यू गेट अप? आई गेट अप इन 6 o'clock. एट 6 o'clock. एट 6 o'clock. व्हाट टाइम डू यू मेक फूड? आई मेक फूड 12, एट 12 o'clock. 12 नून. 12 नून. ओके, व्हाट टाइम डू यू मेक वीडियोस? आई मेक वीडियो एट 11 p.m. ओके, एट नाइट आई मेक. ओके, समझ में आया होगा ये भी. तो अब हमारा टास्क कुछ नहीं है, हमारा टास्क ये है कहाँ करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो, किसके साथ करते हो, ये वर्ड आगे लगाने हैं, और इनकी हेल्प से हमको इंग्लिश बोलनी. ठीक है, समझ में आ गया? व्हाट डू यू मेक इन फूड? आई मेक पिज़्ज़ा. समझ में आया? अब ध्यान से समझ लो आप लोग, ये क्वेश्चन वर्ड मेन वाले हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे WH फैमिली वर्ड हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादातर इनका ही यूज़ करें. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं हर एक से. ठीक है, ओके, व्हाई डू यू बीट मी? कुछ भी बोलना जो मन आ जाए. ठीक है, व्हाई डू यू बीट मी? बिकॉज यू डिस्टर्ब मी. ठीक है आंसर. हाउ डू यू मेक टी? तो हाउ डू यू मेक टी क्या है, प्रोसीजर है. जैसे आप डेली रूटीन बताते हो, ऐसे ही आपको बताना है. हाउ डू यू मेक टी?
आई टेक वाटर इन अ पॉट इन अ बाउल इन अ पैन जिसमें भी आप लेते हो. आई टेक वाटर इन अ पैन आई एड शुगर आई एड टी आई एड मिल्क आई लेट इट बॉयल एंड आफ्टर 15 मिनट आई पोर इट इन टू द कप एंड आई टेक टी. सिंपल ऐसे बनाती हूँ. ठीक है, समझ में आ गया. ओके ओके, विच एक्टर डू यू लाइक मोस्ट? आई लाइक अक्षय कुमार. ओके, वॉट वॉट डू यू प्ले इन स्टेडियम? वॉट डू यू प्ले इन स्टेडियम? आई प्ले बैडमिंटन. ओके, वेयर डू यू कुक फूड? आई कुक फूड इन द किचन. ओके, वॉट टाइम डू यू गो टू स्कूल? आई गो टू स्कूल एट 7. ओके, फ्रॉम वेन? फ्रॉम वेन मतलब कब, कब से. ठीक है, ये कब से क्या है, एक टाइमिंग के लिए है. ठीक है, कब से तुम खाना खाती हो? फ्रॉम वेन डू यू ईट फूड? आई ईट फूड इन माई चाइल्डहुड. फ्रॉम माई चाइल्डहुड, राइट. ओके, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से. ओके, फ्रॉम वेयर डू यू कम इन इवनिंग? आई कम फ्रॉम अ पार्क. आई कम टू माई होम फ्रॉम द पार्क. ओके, तो ये तरीके हैं गाइज आपको क्वेश्चन आंसर करने के. यही क्वेश्चन आंसर सेशन था. अब मेन चीज़ होगी आपकी एक टेस्ट जो कि हम जूम अपना जूम क्लासेस पर लेंगे. मैं भी लूँगा और ये भी लेना शुरू कर देंगे जल्दी ही. और टेंशन ना कीजिए, आपको इंग्लिश सिखाने का हमारा जिम्मा है. हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे. बस आपको अब क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. सब्सक्राइबर बढ़वा दो, बाकी कुछ नहीं है. तो गाइज आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा. आज की तरह ही मेहनत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए. बाय बाय, जय हिंद.